हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी डॉट कॉम। दिस इज काजल कुशवाहा। आई एम हियर टू टीच यू ट्रिपल सी स्पेशल प्रैक्टिस क्लासेस। गाइस, आज और फिर मैं ट्रिपल सी के 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। ठीक है गाइस, ये क्लास सिक्स है। क्लास सिक्स से पहले कि आपने क्लास 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हो तो जाइए और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए हुए। ओके और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्रॉपर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड किसी सामान्य कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स इज ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ पर्पस ऑफ अ कॉमन टास्क। ठीक है, ऑप्शंस आर पब्लिक, कम्युनिटी, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर सही होगा पब्लिक। ठीक है, अब आप कहोगे ये, अब अगर आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूं, पब्लिक क्लाउड यहाँ पे, यहाँ क्या यूज हो रहा है, पब्लिक क्लाउड हो रहा है। ठीक है, ये पब्लिक क्लाउड होता क्या है, इससे मतलब बेसिकली इसका वर्क क्या होता है। अब पब्लिक क्लाउड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग, क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग इन विच अ सर्वर प्रोवाइड सॉरी इन विच अ सर्वर प्रोवाइडर मेक्स रिसोर्सेज अवेलेबल टू द पब्लिक। क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइडर, क्या करते हैं सर्वर प्रोवाइडर, ये सर में क्या करते हैं, रिसोर्सेस को अवेलेबल कराते हैं क्या टू द पब्लिक, कैसे, वाया इंटरनेट। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं पब्लिक क्लाउड, क्या कहता है, रिसोर्सेस सारा यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वाया इंटरनेट। ये समझ में आया, कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, यह एक मध्यस्थ वातावरण है जो उपयोगकर्ता में एक भौतिक परिवेश में उपस्थित होने की अनुभूति प्रदान करता है, यानी इट इज एन इमीडिएटरी एनवायरनमेंट दैट क्रिएट्स इन अ यूजर द फीलिंग ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन अ फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, सेकेंड है वर्चुअल रियलिटी यानी VR, थर्ड है आपका GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड थर्ड फोर्थ है आपका HMD। गाइस यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, यानी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कहना क्या चाहता है, ये एक ऐसा वातावरण है जिसमें जो उपयोगकर्ता है यानी जो भी आपका क्या है, जो भी यूज कर रहा है, जो भी यूजर, वो क्या करेगा, एक भौतिक ऐसे इन्वायरमेंट में चला गया है, वो प्रेजेंट तो है यहीं पे बट उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो जो सामने देख रहा है उसी इन्वायरमेंट में चला गया। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी। क्या बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड में देखोगे तीन डॉट बने होंगे। ठीक है, आप उसको क्लिक करोगे तो बहुत सारे आइकन आएंगे, तो नेक्स्ट सेकंड लास्ट वाला जो ऑप्शन आएगा वो आ रहा होगा वॉच इन VR। ठीक है, और VR क्या होता है, VR के थ्रू अगर आप क्या करोगे, आपको एक गैजेट टाइप का मिलता है, वो स्पेक्स के टाइप का होता है, उसके थ्रू करोगे, उसके थ्रू अगर आप देखोगे मेरा वीडियो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सामने ही बैठी हुई। ठीक है, तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक वीडियोस भी होते हैं, उसी वीडियोस के लिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मैसेज के विषय में शामिल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेजेस। ठीक है, ऑप्शंस आर टेक्स्ट, इमेज, ओनली इमेज, इमेज एंड टेक्स्ट बोथ। गाइस यहाँ पे मैसेज की नहीं बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है मैसेज की विषय यानी सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज। गाइस सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज में तो हम टेक्स्ट ही लिखेंगे ना, सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज में आप कोई इमेज तो दे नहीं सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, निम्न निम्न में से कौन सा कथन टेलीग्राम के संदर्भ में गलत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम सब लोग यूज करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है, पहला वॉइस ओवर IP सर्विस, सेकेंड है अलाउ रीडिंग ई-बुक्स, थर्ड है शेयर्स मल्टीमीडिया डेटा एंड फोर्थ है सेंड इंस्टेंट मैसेज। ठीक है, लास्ट स्टार्ट करते हैं, सेंड इंस्टेंट मैसेज, हाँ जी टेलीग्राम पे भी हम क्या करते हैं इंस्टेंट मैसेज सेंड कर देते हैं, यानी गलत तो नहीं है, ये सही है। सेकंड लास्ट क्या कह रहा है, शेयर्स मल्टीमीडिया डेटा, हाँ अब जैसे फोटोग्राफ वीडियो सब हम लोग शेयर करते हैं, मल्टीमीडिया भी हो गया। थर्ड बी वाला क्या कह रहा है, अलाउ रीडिंग ई बुक्स, नहीं ये आपका बिल्कुल अलाउ नहीं करते, यानी ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी टेलीग्राम के विषय में जो ये बात कही गई है अलाउ रीडिंग ई बुक्स यानी ई बुक्स पढ़ने की अनुमति देता है तो ये नहीं अनुमति देता। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, वॉइस ओवर IP सर्विस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ,
वैसे अगर हम बात करें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसी के थ्रू होता है। ये क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं आईपी टेलीफोनी, क्या बोलते हैं इसको, आईपी टेलीफोनी भी बोलते हैं। ठीक है, इलिप्स मोशन निम्न में से किससे संबंधित है? गाइस ये जो अंडाकार होते हैं उसको इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, इलिप्स मोशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ऑप्शंस आर आपके एनिमेशन, ट्रांजिशंस, फॉर्मेटिक फॉर्मेटिंग एंड नन। इलिप्स मोशन की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं टेम्पलेट को, कलर कर सकते हैं किसी स्कीम को, एनिमेशन स्कीम। ठीक है, तो आपका ये एनिमेशन वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। भारत में ई वाणिज्य कब से स्टार्ट हुआ, यानी व्हेन वाज ई कॉमर्स स्टार्टेड इन इंडिया? गाइस ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स एक ऐसी जगह है जहां पे यूजर अपने अपने डेटा को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंटरनेट के थ्रू सेल या बाय कर सकता है। ठीक है, ये इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है 1989, 1980, 1991 एंड 1992। गाइस ये स्टार्ट हुआ 1991 में। ठीक है, 1991 में। आरएसएस का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसएस? ऑप्शंस आर रियली सिंपल सिंडिकेशन, रीड सिंपल सिंडिकेशन और रियली सिंपल सर्विस एंड नन। ठीक है, तो गाइस इसकी बात करेंगे, आरएसएस तो हमारा फुल फॉर्म क्या होगा, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, ये आरएसएस क्या होता है, ये एक तरह का वेब फीड होता है। ठीक है, जैसे आपको आप अगर फेसबुक खोलते हैं वहां पे आपको स्टोरी फीड करके आता है। ठीक है, ये आपको एक वेब की फीड होता है। ठीक है, दैट्स अलाउ यूजर्स एंड एप्लीकेशंस टू एक्सेस अपडेट्स टू वेबसाइट इन द स्टैंडर्डाइज्ड कंप्यूटर रीडर फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या करता है, एक अलाउ करता है क्या यहाँ पे यूजर्स को, कि यूजर्स के एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए जो भी वहां पे अपडेट्स आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एम परिवहन किससे संबंधित है? एम परिवहन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, एम परिवहन, ठीक है, परिवहन की बात हो रही है तो ऑप्शंस क्या है आपके, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड नन। एस परिवहन की बात हो रही है तो यानी आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एम परिवहन एक ऐसी सुविधा है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, ऑल इंडिया आरटीओ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आप सर्च कर सकते हो। ये किसके थ्रू डेवलप किया हुआ, एनआईसी के थ्रू। इसके में आपको अगर आप इस इसमें आप रजिस्टर्ड होते हो तो अपने डीएल की, अपने आरसी, जो भी कई सारी जो भी आपके परिवहन से जो भी आपके यूज करते हो व्हीकल से, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपका इंश्योरेंस कब हुआ था, कब एक्सपायर होने वाला है, कब उसको रिन्यू कराना है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चुने हुए टेक्स्ट को मिटने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू इरेज दैट सेलेक्टेड टेक्स्ट? ठीक है, ऑप्शन आर बैक स्पेस, डिलीट, बोथ, नन। गाइस कोई भी अगर हमने सेंटेंस लिखा उसको मिटाने के लिए आप बैक स्पेस से भी मिटा सकते हो, डिलीट से भी मिटा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी यानी बोथ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्पेसिंग के लिए टूल बार में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द कमांड इन द टूल बार इज यूज फॉर स्पेसिंग? ऑप्शन आर लाइन स्पेसिंग, सेकेंड इज स्पेसिंग, थर्ड इज स्पेस स्पेसिंग एंड फोर्थ वन इज नन। गाइस स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है, स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, आप देखोगे आप अगर वर्ड यूज करते हो तो ऊपर में बीच में ही ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, तो वो किसके लिए यूज होता है, लाइन स्पेसिंग के लिए। किसके लिए, लाइन स्पेसिंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आधार नंबर वाला प्रथम रुपे एटीएम कार्ड निम्न में से किस बैंक ने जारी किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इशूड द फर्स्ट रुपे एटीएम कार्ड विद आधार नंबर? ऑप्शन आर बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक एंड फोर्थ ऑप्शन आपका डीसीबी। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर सही होगा आपका डीसीबी बैंक। क्या होगा सही आंसर, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक क्या आपका, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ठीक है, डीसीबी बैंक क्या, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ये आपका वन ऑफ द न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, ये क्या किया है आपका बैंक, ये क्या एक बैंक इशू किया क्या, द फर्स्ट रुपे एटीएम कार्ड विद द आधार नंबर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से माइनर का क्या अर्थ होता है, व्हाट डस माइनर मीन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन आर, एक एल्गोरिदम जो श्रृंखला के अगले भाग का पूर्वानुमान लगाता है, यानी एन एल्गोरिदम दैट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सीरीज। नहीं, ये आंसर तो गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मानने और संसाधित करता है, इन द कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट द एंड प्रोसेस द ब्लॉकचेन डिलीवर। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाले व्यक्ति, यानी द पर्सन डूइंग द कैलकुलेशन टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन। फोर्थ क्या, नन ऑफ दिस। ठीक है गाइस, अगर इसमें देखेंगे तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन क्या, कंप्यूटर को ब्लॉकचेन देने और मानने के लिए संसाधित करते हैं, यानी द कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ द ब्लॉकचेन डिलीवर। ठीक है, इसमें माइनर क्या करता है, इसमें क्या करता है, कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट, इसमें क्या करता है, प्रोसेस जो भी है उसको डिलीवर करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इज नॉट यूज इन कंप्यूटर। ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, गाइस जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और लो लेवल गाइस जो पहले सी सी प्लस प्लस यूज होते थे, इन्हीं सब भाषाओं को लेकर इनके लेवल के में डिसाइड किया, एक हाई लेवल लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो थर्ड ऑप्शन है मीडियम लेवल लैंग्वेज, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस टी एंड कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, हमें क्या करना है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इसमें तो क्या करता है, ये क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करता क्या है, ये क्या करता है, टू रीसेट पैराग्राफ्स टाइप, इसमें क्या करता है, रीसेट कर देता है। ठीक है, तो यार ऑप्शन आपका सही होगा कंट्रोल प्लस एम, क्या दबाओगे आप, कंट्रोल दबाओगे उसके बाद आप एम दबाओगे। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। ऑप्शन है आपका पाम, यहाँ पे ये भी ओएस यूज होता है, एंड्रॉयड ये तो हम लोग हमेशा से यूज करते हैं, मैंगो, मैंगो की भी हम बात करेंगे, आईओएस। ठीक है, आईओएस आपका आपका आईफोन में यूज होता है। गाइस यहाँ पे जो मैंगो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है, मैंगो है क्या आपका, मैंगो का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, क्या मल्टी इमेज एनालिसिस, ये आपका जीयूआई है। ठीक है, क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये गाइस ये नॉन कमर्शियल के लिए होता है, और ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर जो है आपका व्यूविंग के लिए, एडिटिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए, वॉल्यूमेट्रिक के लिए, मेडिकल इमेजेस के लिए यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो को अटैचमेंट के साथ भेजा सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोकॉल थ्रू विच ऑडियो एंड वीडियो कैन बी सेंट विद अटैचमेंट इन एन मेल। ऑप्शन आर आईमैप, यानी आईएमएपी, पीओपी, एमआईएमई एंड नन। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सी। सी क्या आपको, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ क्या है, एमआईएमई मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए, वीडियो के बाद भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू एडिट अ चार्ट, कोई चार्ट उसको एडिट करना है तो क्या किया जा सकता है। फोर ऑप्शन है, क्लिक ऑन द ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। सेकेंड है, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और खींचे, यानी ड्रैग, यानी कि क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड है वो डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ है पर क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, एडिट करना है ना, तो आपको एडिट करने के अगर डबल क्लिक करोगे आप, क्या जो चार्ट का ऑब्जेक्ट है उस पर क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आपका आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यानी आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर आप क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक में उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्प्ले द ऑप्शन अवेलेबल इन हाइपरलिंक्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, ऑप्शन आर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट एंड इंटरनेट मेल। ठीक है गाइस, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्या
इसमें क्या देखना है, हाइपरलिंक में उपलब्ध विकल्प। हाइपरलिंक में कौन कौन से उपलब्ध होते हैं विकल्प? प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, मेल डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप इसको जब तक एक बार ओपन करके नहीं देखोगे तब आपकी सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, एक बार इसको ओपन करके देखिए, और उससे अगर आप कुछ और नई भी चीजें दिख रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक पे आइए, टेलीग्राम में आकर आप पूछ सकते हो। 19 लास्ट बट नॉट द लीस्ट 19th क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम बनाने में किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए इन सब में से कौन सी चीजें यूज की जाती हैं? ऑप्शंस हैं वॉइस रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, माइक्रोफोन। ठीक है गाइस, सबसे ज्यादा जब वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात होगी सबसे ज्यादा मैंडेटरी क्या है? वेबकैम। ठीक है, वेबकैम सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। डिजिटल कैमरा है, आप नॉर्मल कैमरे से भी कर सकते हो। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन, बिना वॉइस रिकॉग्निशन के भी नॉर्मल वॉइस से भी आप कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोफोन की जरूरत जरूरी नहीं है कि माइक्रोफोन ही हो, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ तक आप आ ही गए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपके आसपास जो भी इसमें स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हो ट्रिपल सी की, या तो फिर करना चाहते हो, ठीक है, हमारा टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए। और गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और प्रॉपर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।